स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हमारा बेटा टकलू हो गया, आपको पता ही चल गया होगा, टकलू महाराज। तो हम लोग अब रायबरेली से निकले हैं, 12:10 हो रहा है, 6 kg गैस भरवा ली है और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यार। ऐसा लग रहा है फुल गर्मी आ गई है, आते वक्त तो सर्दी लग रही थी हल्की हल्की। तो देखते कितना टाइम लगता है नोएडा पहुँचने में, पहले तो लखनऊ पहुँचेंगे फिर नोएडा। इनकी बदमाशी चालू हो गई है टकलू महाराज की, केला दिया गया इनको खाने के लिए लेकिन फूफू फूफू कर रहे हैं, ये देखो फूफू फूफू करते ही। पहला वाला टोल आ गया है, इस टोल पे लगभग 70 रुपये लगते हैं। केला खिलाया जा रहा है इनको, खिलो। टकलू महाराज को सत्तर नहीं यार 110 रुपए का टोल था भैया। सैनिटाइजर से खेल रहे हैं देख टकलू महाराज। ए टकलू मेरे पीछे को टक टक लगना बोलो। 1:30 बज गए और भैया पहुंच गए लखनऊ। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा भैया, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है बाहर। और ये भाई साहब खेलने में लगे हैं, गुजर निकाल दिया इन्होंने शेड। खेल खेल दादा पाव भाजी क्या है, वो है लखनऊ में और पाव भाजी ऑर्डर की गई है। ये रही पूजा, घर से आया हुआ सामान। तो भी भैया मजबूरी है, बैठने के चक्कर में खाना पड़ रहा है, मेरे को क्या शौक लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ बिना। ये आ गई है पाव भाजी, ये रहे पाव, पाव को भी बढ़िया दिख रहा है। तो ये महाराज जी हमारे, महाराज जी हाँ इनको भी चाहिए। 180 रुपये बिल आया था। तो भाई यहाँ पर हमने खाया था आशियाने के चौराहे पे, ये रहा पाव भाजी वाला, इसके बगल में पंडित जी ये पान, और ये बालाजी वाले के तो बहुत भीड़ लगी है भाई साहब। ये देखो जरा उधर कचौड़ी और दे रहा, अच्छा चौराहा है बढ़िया। निकल लिए हम लोग, सामने आपको काशीराम पार्क दिख रहा होगा, VIP रोड है। तरफ से भी देख लो, ये VIP रोड बोली जाती है और बौद्ध विहार शांति भवन, इसी के तर्ज पे नोएडा पे भी जो बना हुआ है वो भी आपने देखा होगा जब दिल्ली जाते हो, यही वाला है। 2:09 हो गया है और हम लोग लखनऊ में सबसे इम्पोर्टेंट चौराहा, सबसे ज़्यादा भीड़ वाले चौराहे पे पहुँच गए हैं, आलमबाग चौराहा। और एज यूजुअल ट्रैफिक लगा है। आपको दिखाया है मैंने, ये मायावती ने 2011 में शुरू किया था, ये तब चीफ मिनिस्टर थी और हम लोग अभी रुके हुए हैं। ला देते हैं ये लोग। 2:22 हो गए और ये मोड़ के हम लोग आए हैं यहाँ पर। जी का नंबर आ गया और हमारा भैया यहाँ पर सो गया हमारा। दिखाओ टकलू को, दिखाओ माले हमारे टकलू को, दिखाओ हमारा टकलू सो गया भाई। ये देखो भाई CNG भरवा ली है और CNG लखनऊ में एक्सप्रेस वे चलने से पहले भैया बातें करती है, सरकार इलेक्ट्रिक बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चलने से पहले यहाँ CNG स्टेशन प्रॉपर नहीं खोल पा रहे हैं, बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जाएंगी। भैया इधर बनवा दो ना एक, इधर जहाँ पर आदमी चलता है इलेक्ट्रिसिटी, बाद में बनवाना है। और अभी CNG पंप में क्या हुआ बताता हूँ कहानी। एक डाला वाला था और एक औरा वाला था, तो डाला वाला
कि जो गाड़ी थी वो थोड़ी पीछे थी और ऑरे वाले ने जब देखा कि थोड़ी जगह है तो उसने डाल दी बीच में, और फिर जैसे मौका मिला डाला वाला ऑरे वाला के आगे आ गया सीएनजी भरवाने से पहले, और भाई दोनों में बहस होने लगी, और ऑरे वाला कोई विधायक के नाती या पोते हुई है, तो गए अंदर, गए मैनेजर से बात करूंगा, कहे पहले फोन लाओ, फोन लाओ पहले, कहे पहले अपनी बीवी से फोन लाओ, कहे कि फोन से क्या, मुंह से और पैर से कर लो जो करना है, तो जो है कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैनेजर को अंदर बुला के लाए कि बेचारा डाला वाला गरीब आदमी को एक बार और चक्कर लगा के फिर लाइन में खड़ा होना, बेचारा बीवी खड़ा है, अब जाके उसको मिलेगी। सीएनजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा जाए जल्दी से जल्दी, और जितने पेट्रोल पंप है सब पे मैंडेटरी करके तुरंत सीएनजी के लिए वो किया जाए, इलेक्ट्रिक बाद में करते रहिएगा आप लोग भैया। 2:57 हो रहे हैं यार, अब चढ़ने जा रहे हैं हम लोग पहले आगरा की ओर निकलेंगे, तो ये आगरा वाला एक्सप्रेस वे है, फिर आगरा से चढ़ेंगे हम लोग यमुना, हो रहे हैं चढ़ने जा रहे हैं। तो ड्राइवर को भेज दिया हम लोगों ने फ्यूल डलाने के लिए, थोड़ा टाइम बच जाए। और ये गंजू महाराज को देखो जरा, गंजू महाराज से अपनी मम्मी के पास जाएंगे, तो चलते हैं चाय वाय पीते हैं, देखते हैं अमेरिकन भुट्टा मिल रहा है। ये रहा फूड प्लाजा और ये रहा अमेरिकन भुट्टा, ये लगा अमेरिकन भुट्टा, और बगल में एक और है ढाबा, ये देख रहे हो आप जगत ढाबा 24/7, और ये उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट की गाड़ी खड़ी है जिसने ये हाईवे बनाया है। और चलते हैं अंदर, ये पहुँच गए वो खाने, देखो ये है चाट एंड चाय कॉर्नर, अंदर चलते हैं, वेलकम कर रहा है, ऊपर चल के टॉयलेट करते हैं यार पहले तो। आओ ए नेपाल, नेपाल नहीं आए, ये कौन बच्चा है, ये कौन बच्चा है मेरा, खेल रहा है ये। तो भैया फूड कोर्ट के अंदर आ गए, इस साइड में चाय वाय मिलेगी, भी चाय लेता हूँ, और अभी तो कुछ ज़्यादा चहल पहल है यहाँ पर आज। ये सामने अपना मसाला गली जहाँ से हम लोग प्लेट व्लेट खाते थे आपको पता ही होगा, और ये काउंटर है यहाँ पर कैश काउंटर। तो हमने 3 चाय का लिया है 128 रुपये, नहीं कितने लिए इसने 135 रुपये लिए। गंजू गंजू बाबू इसमें चाय, चाय के साथ सैंडविच 50 रुपये का दिया है इन्होंने, घर से लेके आया था पराठा आलू का, एक भैया मस्ती कर रहा है दुआ करके। ये देखो हमारा खाना खा रहा है, उनको सब खाना है, जो हम खाएंगे वही खाएंगे। यहाँ पर ये गाड़ी को साफ करने के लिए बेचते रहते हैं सामान, हम आ गए अपनी गाड़ी पे, सामान लगा रखा भैया डेमो पे, ये फ्री डेमो,
साहब मान नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। देखो जरा टकलू महाराज को हमारे, ऐसे धूप पड़ रही है इनके ऊपर। टकलू जी को मेरा टकलू जी, ये मेरा टकलू जी, सेट बहुत ही प्यारा दिख रहा है आपको यहाँ पे। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। पचास हो गया है और हम लोग आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले टोल पे आ गए हैं। 7 बज गए और आगरा के मेन वाले टोल पहुंचे हैं। रास्ते में रुके हैं सीएनजी के लिए और बड़ी लंबी लाइन लगी है भैया। मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार इलेक्ट्रिक को लेके बोलती है इतना कर रहे हैं भाई, पहले सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दो, इलेक्ट्रिक की तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ से गाड़ियाँ लगी हैं, ये देखो पूरी लंबी लाइन, हमने 13-14 गाड़ियाँ लगी है ये देखो। और भरने वाला ये है खाली, दो क्या एक ही है भाई, ये देखो लगी हुई है बस। ये हाल है भैया एक्सप्रेसवे का, अब आप बताओ। तो भाई आधे घंटे वेट किया तब जाके सीएनजी मिली, लेकिन प्रेशर मिल गया। और एक बंदा भाई आया लाइन निकाल के, कहता है यार इमरजेंसी है, अर्जेंट है, अर्जेंट है, और ये गाड़ी लगवा ली है। पता नहीं अर्जेंट था कि नहीं, ये हमारे वेट कर रहे हैं। 8:19 हो गया, अब आया ये मथुरा टोल, थोड़ा सा लेट हो गया आज तो बहुत ही ज़्यादा भाई। खुल गया, देखते कितना बचता है। 8:50 हो गया और ये लास्ट टोल पहुँच गए हम लोग, जेवर वाला। जेवर नहीं मिलता है यहाँ, गाँव इसका नाम है जेवर, जहाँ एयरपोर्ट भी। भाई 2:50 पे चले थे लखनऊ पे और 9:15 पे पहुँच गए परी चौक। सामने परी चौक दिख रहा है आपको, अंधेरे में अगर दिख रहा हो तो। टोटल अभी आपको बताता हूँ मैं कितना हिसाब लगा, कितनी सीएनजी लगी और कितना टाइम लगा। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे मैंने बताया परी चौक हम लोग पहुँच गए। हिसाब बता देता हूँ आपको, हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है भाई। तो हमने रायबरेली में सीएनजी डलाई, फिर हमने लखनऊ में सीएनजी डलाई, फिर हमने सैफई में सीएनजी डलाई और फिर हमने मथुरा में सीएनजी डलाई, मथुरा टोल के पास 4 जगह सीएनजी डलाई। तो लगभग 2300 रुपये की तो हमने सीएनजी डला ली भाई साहब। अभी सीएनजी का पॉइंट है हमारे पास 3 बाकी है, चल जाएगी। तो 2300 रुपये क्या, आप मान लो 2000 रुपये की सीएनजी लगेगी अगर आप 1800 से 2000 डिपेंडिंग आपकी गाड़ी का एवरेज दे दी। और 1235 रुपये का तो टोल है, तो लगभग 3600 रुपये जो है हमारा खर्च हुआ, जिसमें खाने पीने का आइटम अलग है भैया। जो रास्ते में हमने लखनऊ में खाना खाया था, पाव भाजी, और फिर रास्ते में चाय पी थी और कुछ स्नैक्स हम लोग तो लेके आए थे। मोटा मोटी 3500 रुपये खर्चा मारा होगा आप, और एक साइड का 3500 रुपये खर्चा आया सी एन जी से। अगर आप पेट्रोल से और डीजल से आएंगे तो और ज़्यादा आएगा। और गाड़ी हमारी टच वुड बढ़िया काम की, अच्छा परफॉर्म की। तो लंबा हो गया वीडियो, मगर आपको पूरा हिसाब किताब में आ गया होगा।
टाइम बहुत लगा यार सीएनजी के लिए चार्जिंग है, तो आप माइनस कर लो वो। तो हम लोग 12 बजे निकले थे और अभी 9:23 हो रहा है, 10 बजे तक घर पहुंचेंगे, तो मतलब 10 घंटा मान लो। लखनऊ से अगर कैलकुलेट करो तो हम लोग चले थे लखनऊ जैसे बताया 2:50 पे, हाँ 3 बजे हम लोग एंटर किए थे एक्सप्रेस वे, तो 6:30 घंटे में तो हमने कवर कर ही लिया। इनफैक्ट इतने जगह रुके आपने देखा सीएनजी डाला है, नॉन स्टॉप होगे और पेट्रोल पे आओगे तो जल्दी आ जाओगे, और सीएनजी से आओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक से आ रहे हो तो भाई भूल जाना फिर, या तो पूरा एक बार रिचार्ज करके आना या बैटरी लेके आना। तो सीएनजी की स्थिति तो आपने देखी ली पूरी वीडियो में क्या हाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे भैया भी शोर है, बाय।